शुरुआत करते हैं। देखिए, जब प्रियम्बल की बात करते हैं या प्रस्तावना की बात आती है, तो प्रस्तावना में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है कि वास्तव में यदि प्रस्तावना की बात हम करते हैं तो प्रस्तावना है क्या, या किसे आप प्रस्तावना कहेंगे, है ना, कि प्रस्तावना हम किसे कहेंगे। तो प्रस्तावना के संबंध में ये कहा जाता है कि जो भी कोई अधिनियम बनाया जाता है, कोई संविधान बनाया जाता है, तो प्रस्तावना जो होती है उस संविधान के अंदर सन्निहित आदर्शों और सिद्धांतों का समन्वय दिखाई देता है। यानी उसके अंतर्गत क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं, क्या रखी गई हैं, या जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में, केरल राज्य का जो ये मैटर था केशवानंद भारती में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संबंध में बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट दिया था। ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है, इट इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। यानी संविधान निर्माताओं के मन में किस प्रकार के, कैसे भारत के निर्माण और किस तरह के भारत के निर्माण की रूपरेखा चल रही थी, इनके उनके दिमाग में कैसे एक भारत के निर्माण की रेखा चल रही थी, उसको जो है वो प्रतिबिंबित होता है। यानी संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी यदि किसे कहा गया है तो वह प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, अब यदि हम प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना का उद्देश्य या प्रस्तावना का सोर्स कहां से है, इसका स्रोत क्या है, तो आप जानते हैं कि जब भारत की संविधान का निर्माण चल रहा था संविधान सभा में, है ना, संविधान सभा में, तो संविधान सभा में तीन महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, पहली बैठक, दूसरी और तीसरी बैठक। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही को प्रारंभ किया था। और यह कार्यवाही कैसे प्रारंभ हुई थी, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जिसे संविधान सभा ने बाईस जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। ठीक है, यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कब कर लिया गया, 22 जनवरी सन 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यानी यहां से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की नींव पड़ी। प्रस्तावना में दो चीजें आती हैं, यदि हम प्रस्तावना की बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन आपका एक तरह से बनता है, दो चीजें हैं, एक तो होती है प्रस्तावना की भाषा और दूसरा है प्रस्तावना की शैली, है ना। तो प्रस्तावना की जो भाषा है ना, प्रस्तावना का जो स्वरूप है, यानी प्रस्तावना, यहां से भी ये क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रस्तावना को संविधान में कहां से लिया गया है, ठीक है, तो इसको कहां से लिया हमने, यूएसए से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी भारत में अमेरिका का जो संविधान है
अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा को हमने लिया। ठीक है, यदि हम प्रस्तावना को बांटें, जिसे मान लीजिए हमने कहा कि प्रस्तावना को हम कैसे पढ़ें, इसे प्रस्तावना की शुरुआत क्या होती है, हम भारत के लोग, कैसे स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द को हमने कहां से प्रेरित किया है, हमने लिया है यूनाइटेड, जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वहां से हमने इस चीज को लिया है। ठीक है, तो प्रस्तावना में तीन प्रमुख चीजों को आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना में, तीन चीजें, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, यदि हम पहले की बात करें तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, स्रोत, या इसी को कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में शक्ति का केंद्र किसे कहा गया है, शक्ति का केंद्र किसे कहा गया है। तो भारत में भारत की जनता को किसे कहा गया है, भारत की जनता को, है ना, भारत की जनता को शक्ति का केंद्र में, शक्ति के केंद्र में रखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो कुछ भी दिया है वो किसको निहित है, भारत की जनता को निहित है। यानी यदि हम संप्रभुता की बात करें, ठीक है, तो भारत में, भारत में संप्रभुता किसमें निहित है, संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, है ना। यानी शक्ति का केंद्र किसके पास है, भारत की जनता पे, क्योंकि संप्रभुता कहां पर निहित है, भारत की जनता में। क्यों निहित है, क्योंकि यह संप्रभुता भारत की जनता के द्वारा, भारत की जनता को किसने दिया है, संविधान ने दिया है। किसने दिया है बेटा, संविधान ने दिया है, है ना। यानी संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में, और यह संप्रभुता किसके द्वारा दी गई है, तो यह संप्रभुता भारत की, संविधान ने भारत के लोगों को दी है। शक्ति का जो केंद्र है, शक्ति का जो स्रोत है, शक्ति का जो अल्टीमेट पावर है, वो किसके पास है, भारत की जनता के पास। ठीक है, दूसरा यदि मैं बात करूं आपसे यहां पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है, है ना, भारत की प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप में यदि हम कहें तो सबसे पहला जो स्वरूप आपको देखने को मिलता है, वह स्वरूप ये मिलता है कि भारत की संप्रभु लिखा है, हम कैसे हैं, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में कहते हैं कि हम क्या है, सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह होता है कि भारत की जो जनता है, भारत की जो जनता है वह संपूर्ण प्रभुत्व, भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का अर्थ यह होता है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, सशक्त है, सक्षम है। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा आंतरिक मामला हो, हमारा मतलब देश का आंतरिक मामला हो, या हमारा कोई बाह्य मामला हो, ना तो हम आंतरिक मामलों में किसी के अधीन है और ना ही हम बाह्य मामलों में किसी के अधीन है। यानी पूरी तरह से हम क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। हमें किसी प्रकार से, जैसे कश्मीर का मुद्दा आप लोगों देखते होंगे, यानी कश्मीर का जो मुद्दा हुआ है, कई बार कश्मीर का मुद्दा क्या होता है, पाकिस्तान लेके गया यूनाइटेड नेशन में, लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या कह देता है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। क्यों, क्यों ऐसा कह देता है कि आंतरिक मामला, इसलिए क्योंकि हम क्या है, संप्रभुता है हमारे पास, हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र है। हमें किसी प्रकार से कोई बाध्यता, किसी शक्ति द्वारा नहीं बाध्य किया जा सकता कि कोई हमें बाध्य कर सकता हो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से सशक्त हैं। ठीक है, दूसरा जो स्वरूप है
वो ये देखने को मिलता है कि हम कैसे हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं। भारत के संविधान में समाजवाद जो शब्द है ये प्रारंभ में नहीं था, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ एट द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज द 26 जनवरी 1950, उस समय भारत के संविधान में समाजवाद शब्द नहीं था, यानी समाजवाद शब्द को भारत के संविधान में उस समय नहीं रखा गया। समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कहा गया कि हम क्या करेंगे समाजवाद। तो यहाँ पर जो समाजवाद की बात हो गई है या हमारा स्वरूप समाजवादी है, वो हमने किस अर्थ में लिया है, वह अर्थव्यवस्था के संबंध में हमने लिया है। यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी बाजार व्यवस्था जहां पर उस बाजार पर उस देश के पूंजीपतियों का नहीं अपितु किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। भारत में जो बाजार व्यवस्था है, भारत की बाजार व्यवस्था में किसका नियंत्रण है बेटा, तो भारत की बाजार व्यवस्था में भारत की सरकार का नियंत्रण है। मतलब देखिए, जब किसी भी चीजों की रेट बढ़ने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, सरकार को कोसते हैं ना। हम ये तो नहीं कहते कि अंबानी बढ़ा दिया, अडानी बढ़ा दिए, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि उस पर नियंत्रण सरकार का है। पेट्रोल के रेट की बात करिए तो पेट्रोल की कीमतें क्या है, हर राज्य में अलग अलग है, है ना, हर राज्य में अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि उस पर रेट घटाने और बढ़ाने का काम कौन करती है, राज्य की सरकारें करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसी बाजार व्यवस्था जहां की बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण वहां की पूंजीपतियों का नहीं अपितु क्या है, उस देश की सरकार का होता है, ऐसी बाजार व्यवस्था क्या कहलाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उस देश के पूंजीपतियों का नियंत्रण वहां की बाजार व्यवस्था पर होता है। अब हमारे यहां दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है, पूंजीपति अर्थव्यवस्था और समाजवादी भी। कैसे, हमने किस व्यवस्था को अपनाया है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उस पर नियंत्रण सरकार का भी और पूंजीपतियों का भी। मतलब जैसे हम कोई फर्म आप खोलते हैं, है ना, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली जाती है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मान लीजिए खोला गया, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपके यहाँ 300, 400, 500 इम्प्लाई काम कर रहे हैं, आपकी संस्थान में 300, 400 इम्प्लाई काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ओनर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसके पास है संस्था की, वो क्या कर रहा है, वो इकोनॉमी को जनरेट कर रहा है, मतलब लोगों को क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। सामान्य परिस्थितियां जो होती है वो क्या कहती है कि रोजगार देना किसका काम है, देश की सरकार का। लेकिन यहाँ पर देश की सरकार नहीं कर दे रही है, यहाँ पर वो एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा, वो फर्म दे रही है जो बनाई गई। जैसे ये संस्था एक फर्म है, तो ये फर्म क्या कर रही है, 400 लोगों को रोजगार दे रही है, और साथ ही साथ ये फर्म क्या कर रही है, सरकार को टैक्स भी दे रही है। दोनों काम कर रही है ना सरकार, सरकार को टैक्स भी ये संस्था दे रही है, एंटरप्रेन्योर दे रहा है, और सरकार ये एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, रोजगार का भी निर्माण कर रहा है। तो लेकिन सामान्य परिस्थितियों में रोजगार का निर्माण करने का दायित्व तो किसके ऊपर होता है, वो सरकार के ऊपर होता है। लेकिन सरकार नहीं दे रही, आप प्राइवेट फर्म के थ्रू जॉब कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो दोनों काम हम कर रहे हैं, है ना, दोनों काम यहाँ पर हो रहा। तो यहाँ पर हमने जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया वो कौन सी अर्थव्यवस्था है बेटा, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आगे आइए। दूसरे, यदि हम स्वरूप की यहां बात करें तो हम क्या हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष। भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, हम क्या कहते हैं, सेकुलर है। कई जगह पर आप पंथ निरपेक्षता भी पढ़ते हैं, पंथ निरपेक्ष भी है। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन धर्म निरपेक्षता एंड पंथ निरपेक्षता, क्या होता है, धर्म निरपेक्ष क्या होते हैं और पंथ निरपेक्ष। देखिए,
उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जैसे हम यदि धर्म की बात कर लें, ठीक है, तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ ये होता है बेटा कि धर्म में कही गई बातों को हम शासन प्रशासन में शामिल नहीं करेंगे। यानी धर्म में क्या लिखा गया है, धर्म में किन बातों को कहा गया है, धार्मिक चीजें क्या कहती हैं, धर्म अपनी जगह पर तटस्थ रहेगा और राज्य अपनी जगह पर तटस्थ रहेगा। शासन अपनी जगह पर है और धर्म अपनी जगह, यानी धार्मिक बातों को, धार्मिक जो क्रियाकलाप है, उन धार्मिक क्रियाकलापों को या धार्मिक बातों को हम अपने शासन प्रशासन में शामिल नहीं करेंगे, हम यहां पर जगह नहीं देंगे, इसलिए हम क्या है, धर्म निरपेक्ष। कैसे, जैसे मान लीजिए धर्म की बात हमने कहा, तो हमने कहा धर्म क्या है, हिंदू, धर्म क्या है, मुस्लिम, ये धर्म है। अब इन धर्मों, हमने कहा हम धर्म निरपेक्ष हैं, तो ना तो धर्म में कही गई बातों को हम शासन प्रशासन में शामिल करेंगे, साथ ही हमने कहा हम पंथ निरपेक्ष हैं, हिंदुओं में जैन बौद्ध, हिंदू ही है ना, जैन में श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध में हीनयान महायान, मुसलमानों में इसी तरह आप देखेंगे सिया और सुन्नी, दो प्रमुख संप्रदाय हैं। तो कहते हैं कि ये जो धर्म, तो हमने धर्म को हमने बाहर किया है, यानी धर्म में कही गई बातों को हम नहीं शामिल कर रहे हैं शासन प्रशासन में, तो हमने कहा भैया हम धर्म नहीं, हम उनसे निकले पंथ में भी कही गई बातों को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ना, यानी धर्म निरपेक्षता का अर्थ दोस्तों ये होता है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म को और राज्य को हम क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे, यानी धर्म अपनी जगह पर है, राज्य अपनी जगह। धार्मिक मामलों में राज्य बिल्कुल तटस्थ रहेगा, बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलेगा, यानी राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं, राज्य किसी धर्म को न बढ़ाएगा न घटाएगा, कुछ भी नहीं करेगा राज्य, है ना। तो राज्य क्या करता है, राज्य सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हमने धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक दी है, तो धार्मिक स्वतंत्रता हमने दिया है, हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता हमने दिया, हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दिया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए दिया कि यदि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को का इस्तेमाल करते हैं तो 3 प्रतिबंधों के अधीन आपकी धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन रहते हुए आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हम कैसे हैं, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष के बाद यदि हम बात करें कि हमने किस व्यवस्था को अपनाया है, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। लोकतंत्र का मतलब, अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ऐसी सरकार जो सीधा जनता द्वारा चुनी जाती, यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ही हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ का जो प्रतिनिधि होगा, यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यानी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र, ठीक है। भारत में जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार होती है, ठीक है। इसलिए हमने किस स्वरूप को अपनाया बेटा, लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया, क्लियर है, हमने लोकतंत्र को अपनाया है। अगले यदि हम स्वरूप की बात करें तो हमारा स्वरूप जो है कैसा है, तो हमारा स्वरूप है, हमने गणराज्य है, है? भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या हुआ, गणराज्य का मतलब ये होता है कि 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ, देश में क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र, गणतंत्र मतलब होता है कि जो हमारा संवैधानिक प्रमुख होगा, जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा ना, वो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वेदर दैट इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, चाहे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित किया जाए या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, लेकिन जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होता है वह हमेशा निर्वाचित होता है। यानी ऐसा नहीं कि राजा कोई बना है तो उसका बेटा ही चलाएगा, या इस तरह का राजा वंशवाद की परंपरा नहीं है। भारत के संविधान में
जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, भारत का जो भी प्रतिनिधि होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो निर्वाचित होगा जनता द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ठीक है। तो स्रोत और स्वरूप आपने देख लिया भारत के संविधान की प्रस्तावना। यदि हम अगले पॉइंट पे चलें तो अगला जो पॉइंट है हमारा इसका तीसरा, वह है उद्देश्य। क्या है उद्देश्य? यानी यदि भारत के संविधान की हम प्रस्तावना की बात करें, इस प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज के लिए क्या जरूरत थी इसको लाने की, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य में सबसे पहले हम न्याय देंगे, है ना, हम बात करते हैं न्याय की, हम बात करते हैं न्याय की कि हम क्या करेंगे, न्याय देंगे। तो तीन प्रकार के न्याय की संकल्पना यहां पर आपको दिखेगी, तीन प्रकार के न्याय के, कौन कौन से न्याय दिखेंगे उस पर हम अपनी चर्चा यहां पर करेंगे। जैसे यदि हम आपसे कहें तीन प्रकार के न्याय, हमने कहा हम भारत की सभी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करेंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख जो किया गया है वो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो तीन प्रकार के न्याय, तीन है ना, तीन प्रकार के। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय का यदि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो सामाजिक न्याय का एग्जाम्पल कहां मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि हम अस्पृश्यता का उन्मूलन करेंगे, अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे। अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब छुआछूत के आधार पर, छुआछूत के आधार पर यदि किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा तो हम उस भेदभाव को समाप्त करेंगे, हम उस भेदभाव को खत्म करेंगे। तो सामाजिक, जो ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो सामाजिक न्याय की संकल्पना कहां साकार होती दिख रही है, मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक में सामाजिक रूप से समानता होगी, यानी समाज में जो छुआछूत के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर समाज में जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त करेंगे। साथ ही अनुच्छेद 17 ने यह भी कहा कि यदि किसी नागरिक, यदि इस तरह की कोई कार्यवाही की जाएगी या घटना की जाएगी तो वहां पर क्या होगा, वह व्यक्ति विधि अनुसार दंडित होगा। जब ये व्यवस्था लागू की गई तो उन्होंने संसद ने एक कानून का निर्माण किया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम सन 1976 में बदलकर क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत यह व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। तो तीन प्रकार के न्याय की बात यहाँ पर की गई है। आर्थिक न्याय, यदि आर्थिक न्याय, भारत के संविधान में जो आर्थिक न्याय की संकल्पना है ये कहाँ दिखती है, तो यह DPSP में दिखती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप क्या कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आप अनुच्छेद 38 और 39 का अध्ययन करिए, अनुच्छेद 38 और 39 के सम्यक अध्ययन से आपको मिलेगा कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि धन का संकेंद्रण ना होने पाए, ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा कि धन का संकेंद्रण ना हो। धन का संकेंद्रण ना होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि अमीर अमीर बनता जाए और गरीब गरीब बनता जाए, धन का संकेंद्रण नहीं हो। कोई भी कार्य होगा वह खुले मंच से होगा और खुली सिस्टम और व्यवस्था से। राजनैतिक न्याय, या भी राजनैतिक न्याय, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है चुनाव लड़ने पर, कोई ऐसी जरूरी नहीं कि आप जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये नहीं कि करोड़पति होना चाहिए, बहुत नॉमिनल सा आपको जमानत की राशि रखी गई, बहुत नॉमिनल से आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई, यानी भारत देश का राष्ट्रपति एक अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकता है, ये इस देश के संविधान की खूबसूरती है। जरूरी नहीं कि आप MA PhD हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। इस देश की जो राजनैतिक स्वतंत्रता है वह मात्र इस पर आधारित है कि यदि देश का व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, व्यक्ति आपको पसंद कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर रखा गया, कोई समस्या यहाँ पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो भारत के संविधान में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक। दूसरा हम बात करें यदि न्याय में तो क्या दिया गया है,
हमने दिया है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता कुल पांच प्रकार की दिया हमने, पांच स्वतंत्रताएं दी हैं, ठीक है। स्वतंत्रता कितनी है? पांच। किस किस चीज की स्वतंत्रता दिया है? हमने दिया है विचार की स्वतंत्रता, हमने दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमने दिया है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक। हमने दिया है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास की स्वतंत्रता, और हमने दिया है उपासना की स्वतंत्रता। यानी यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो कुल पांच प्रकार की। कौन कौन सी है? पहला हमने विचार की स्वतंत्रता दी है, अनुच्छेद 19 पढ़िए, अनुच्छेद 19 एक का में दिया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है हमने। हम प्रत्येक नागरिक को कहते हैं आपके अंदर जो चीजें छिपी हैं, आपके अंदर जो चीजें हैं, आप उन चीजों को व्यक्त करना चाहते हैं आप विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से। लेकिन जो भी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, दीज ऑल द फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, इट मींस यानी राज्य ने जो भी आपको स्वतंत्रताएं दी है वह स्वतंत्रताएं ऐसा नहीं कि आप मनमाने तरीके से इस्तेमाल करें, नो यू कैन नॉट डू दिस, आप इसको मनमाने तरीके से नहीं यूज कर सकते। देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट, राज्य ने कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन आपके अधिकारों को रखा है, आपकी स्वतंत्रताओं को रखा है। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज दो में पढ़ेंगे, कुल आठ आधार है जिस पर अनुच्छेद 19 एक का में जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर हमने क्या है आपको प्रतिबंध लगाया है। हमने स्वतंत्रता दी है धर्म की, धार्मिक स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में दिया है। लेकिन ये 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता दिया है यह आपका आत्यांतिक अधिकार नहीं है कि आपका आत्यांतिक अधिकार हो। आत्यांतिक अधिकार ना होने का मतलब यह है कि राज्य इस पर क्या कर सकता है? युक्तियुक्त प्रतिबंधों को लगा सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन ये स्वतंत्रता है। तो क्या है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता को हमने तीन आधार पर प्रतिबंधित किया, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। इन तीन पर हमने प्रतिबंधित कर दिया आपके अधिकार को। कहते हैं कि यदि आपकी आजादी से लोक व्यवस्था खराब होती है, लोक व्यवस्था का मतलब हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। अब हम जो है नौ दुर्गों में देवी जी को सड़क के बीचों बीच बैठा दें, गणेश जी की प्रतिमा बैठा दें, नमाज हम सड़क के बीचों बीच अदा करने लगे, दैट इज क्रिएटिंग द हिंडेंस इन द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। ये क्या कर रहा है? जो लोक व्यवस्था है उसको खराब कर रहा है। यदि लोक व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने से, तो राज्य आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं को कर्टेल कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, है ना, आप 8 बजे सो जाते हो, कोई व्यक्ति 2 बजे सोता है, 3 बजे, अब आप सुबह उठ के लाउड स्पीकर बजा दो, अननेसेसरी का हिंड्रेंस क्रिएट करो, नहीं सो पाओ, दैट इज क्या है आपका ये अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। और सदाचार, समाज में समरसता है, जो सदाचार है यदि उस पर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता हमने आपको दिया है, धर्म की स्वतंत्रता, देश के हर विश्व के हर देश में ये स्वतंत्रताएं आपको नहीं मिलेंगी। जितनी आजादी से आप इस देश में रहकर इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के सम्मानित व्यक्तियों को गाली दे सकते हैं, ऐसा विश्व के किसी देश में आपको मिलेगा नहीं, है ना। ये व्यवस्थाएं हर विश्व के हर देशों में नहीं है कि आप उसी देश में खाइए, उसी देश का अन्न खाइए और उसी देश को गाली दीजिए। ये खूबसूरती केवल हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हमने क्या दिया? हमने दिया आपको विश्वास की स्वतंत्रता। आप विश्वास की स्वतंत्रता यानी आप अपने तरीके से चीजों को हैंडल करिए, विश्वास कर रहे हैं आप विश्वास करिए। उपासना की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की प्रचार प्रसार और उपासना की स्वतंत्रता है। आपको व्रत रहना नहीं रहना है, क्या करना है कैसे करना है, ये आपका आंतरिक मामला। जैसे अनुच्छेद 25 में क्या दिया है? अनुच्छेद 25 में दिया है कि व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। राज्य उसमें कोई इंटरफियर नहीं करता है,
राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं, राज्य कोई इंटरफियर नहीं करेगा, उपासना की स्वतंत्रता है आपको, आपको पूजा पाठ करना है नहीं करना है, राज्य आपको बंधन नहीं करेगा कि नवरात्र में शासकीय अधिसूचना आ जाए कि सबको जो है दो बार माता रानी के भंडारे में पूरी खाने जाना है। सरकार इसके लिए शासनादेश नहीं जारी कर देगी कि शासन इसके लिए आपको शासनादेश जारी करके बंधित कर सकती, नो, राज्य ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद दो स्वतंत्रताएं कितनी है, पांच है। फिर हमने व्यक्तियों को क्या दिया है, समानता दी है। क्या दिया है बेटा हमने, हमने मतलब संविधान ने, समानता। समानता दो प्रकार का दिया गया है, ठीक है। क्या क्या समानता है, यदि हम समानता की बात करें तो दो प्रकार की समानता दी गई है ना, दो प्रकार की। कौन कौन सी समानता है देखो, यदि हम समानता की बात करें तो समानता दो दिया है। पहली तो हमने कहा कि आपको प्रतिष्ठा की, अवसर की वो है समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता है। और दूसरा हमने दिया है आपको अवसर की समानता, है ना। सभी व्यक्ति को बराबर जो है क्या होगा, अवसर। तो दो दो हमने क्या दिए हैं आपको, समानता है। हम सभी व्यक्ति को प्रतिष्ठा में बराबरी का मौका देंगे, सभी के मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में हम क्या है, सभी को बराबर का मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो समानता क्या है, दो प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है। सभी को बराबरी का मौका मिलेगा, जाति पात धर्म मजहब लिंग इस आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी को बराबरी का मौका देगा। जैसे यदि आप अनुच्छेद 16 का अध्ययन करिए तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब यदि सरकारी नौकरियां निकलेंगी, सरकारी कोई जॉब निकलेगी, भर्ती सरकार निकालेगी, सभी को बराबरी का मौका मिलेगा। वहां धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर, लिंग के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि राज्य कोई भेदभाव कर दे, सभी को बराबरी का मौका है। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, पंथ के हैं, आपको बराबरी का मौका है। बार बार ये चीजें नहीं है कि हम आपको अवसर की समानता नहीं देंगे, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया गया है, आपको अवसर की समानता। तो समानता दो है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ठीक है। साथ ही यदि हम बात करें, हमने क्या है, हमने बंधुता दिया है, बंधुता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, ठीक है, बंधुता है। तो भारत के संविधान के यदि उद्देशिका का हम उद्देश्य देखें तो उद्देश्य को एक बार देख लीजिए आप जल्दी से, उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य है न्याय देना, तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारा उद्देश्य है स्वतंत्रता देना, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। समानता दो है, प्रतिष्ठा और अवसर की, और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, बंधुता बढ़ाना। इसके बाद ये तो बात हो गई प्रस्तावना की कि कैसे हम प्रस्तावना में किन चीजों को समाहित करके रखे हैं। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। यानी ये प्रश्न संविधान में आया न्यायपालिका के समक्ष कि वेदर द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, वेदर पार्लियामेंट इज इम्पावर टू मेक एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीएम्बल और नॉट। ये तो सबसे पहले यानी क्वेश्चन ये आया कि क्या प्रस्तावना
संविधान का भाग है, ठीक है या नहीं। तो ये चीजें दो जगह पर आई। पहली बार आया सन 1962 में। कब आया? सन 1962 में। सन 1962 में आया बेरुबारी का मामला। कौन सा? बेरुबारी का मामला। बेरुबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यानी क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और यदि अंग है या नहीं तो क्या संविधान के अंतर्गत जो संसद को संशोधन की शक्ति दी गई है एज पर आर्टिकल 368, क्या उस संशोधन की शक्ति के अंतर्गत यहां संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो ये बात आप समझिएगा, इन्होंने कहा बेरुबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जब हिस्सा ही नहीं है तो फिर संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी जब आपने कह दिया कि भैया ये प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, तो जब हिस्सा ही नहीं तो फिर संशोधनीयता का प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है। तो ये मामला चलता रहा 1962 से लेकर सन 1973 तक। सन 1973 की बात मैं करूं, सन 1973 में एक नया मामला आया। वो मामला था केशवानंद भारती का मामला। क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी यही क्वेश्चन आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरुबारी के मामले में निर्णय दिया था, the judgment given in the case of बेरुबारी matter, it can be, it will be reversed. इसको क्या किया? It has been reversed in the case of केशवानंद भारती। और केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी कर सकती है। ये माना इन्होंने कहां पर? केशवानंद भारती में। क्या माना? लिखते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अंग है, तो क्वेश्चन ये आया कि क्या संशोधन कर सकती है संसद या नहीं कर सकती। तो संशोधनीयता पर जब प्रश्न आया तो यहां पर इन्होंने कहा संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन की शक्ति दी गई है उसके अंतर्गत ये संशोधन कर सकते हैं। तो कहा भैया संशोधन तो कर सकते हैं आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये संशोधन की शक्ति आत्यंतिक शक्ति है? आत्यंतिक शक्ति का मतलब क्या कुछ भी संशोधन कर सकते हैं? तो बोले नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस केस में क्या किया गया? एक थियरी प्रतिपादित की गई, मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत, थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा देखिए ठीक है आपको संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है, कोई दिक्कत नहीं आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप जो संशोधन करेंगे वह मौलिक ढांचे के अधीन रहते हुए किया जाएगा। मौलिक ढांचे का मतलब, इन्होंने कहा कि देखिए जो मौलिक ढांचा है हमारा, उस मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो बोले भैया मौलिक ढांचा क्या है? आप कह रहे हैं कि मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो मौलिक ढांचा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय और परिस्थितियों पर हम बताएंगे कि मौलिक ढांचा क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सन 2014 में
संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन किया गया और तीन नए अनुच्छेद जोड़े गए, 124 ए, 124 बी और 124 सी, जिसके तहत एनजेएसी को कृत्यकारी बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया उसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो कोलेजियम व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की, उसकी जगह पर एक नई संस्था बनेगी एनजेएसी। सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द वायलेशन ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने ये कहा कि संविधान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है, मौलिक ढांचा है, और यदि उसमें किसी प्रकार से कोई संशोधन या कोई इस प्रकार की चीजें की जाएंगी तो वह अनुमन्य नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो मौलिक ढांचे के ऊपर न्यायपालिका ने कहा कि समय और परिस्थितियों कालखंड के अनुसार हम बताएंगे कि मौलिक ढांचा क्या कहा जाएगा। ठीक है, यदि अब इसमें कहा जाए कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, तो ध्यान रखिएगा संशोधन मात्र एक बार हुआ। कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, दो शब्द जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को प्रतिस्थापित किया गया। क्लियर, ये था आपकी प्रस्तावना से जुड़ा हुआ पार्ट और प्रस्तावना से जुड़े हुए हिस्सा, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। इसी तरह की और तमाम वीडियोस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।